वी वेट फॉर द आफ्टरमैथ। या तुम यहाँ जाओगे तुम्हें क्या वैल्यू मिल रही है? एग्जैक्टली सो हेल्पलेस आई ब्रोक डाउन एंड आई क्राइड सो मच। साथ में बहुत झुमका पे ट्रांजिशन रील एंड इसलिए मैंने साड़ी का ब्लाउज पहन रखा है। काफी टाइट है, मेरी मेजरमेंट से नहीं आया है बट साड़ी विल कवर इट एंड शालिनी इज द साड़ी एक्सपर्ट इन द हाउस। मुझे बिल्कुल नहीं आता तो जिसको भी मेरे से थोड़ा ज्यादा आता है वो एक्सपर्ट हो गया। मैं एक्सपर्ट हूँ गाइस। इंसिग्निया बहुत महंगा है, 430 रुपए की वर्थ नहीं है एक टिकट। चिल कर चिल कर। सिनेपोलिस की सुबह की, हाँ 150 में मैंने देख के आई। 10:40 की भी देख 150 नॉर्मल, 170 प्रीमियम। ये ऊपर वाली 350 है। बट ये देख मैं एक सीट मिल जाता ना इन्हें काम करते ताहा को वापस आगे बिठा। शालिनी इधर हेयर चालू है प्रोफेशनली एकदम। दूसरी बार जा रही हूँ रॉकी रानी देखने इनके साथ। आई हैव कन्विंस्ड देम दैट इट्स अ गुड मूवी एंड वी नीड टू वॉच इट। दे आर लाइक वी आर सोल्ड इन्फ्लुएंस्ड। यस देख रही पड़ेगी तुमको, तुम कैसे नहीं देख सकते। रुकना नहीं पड़ा, सारे बाल लग रहे। आई वॉन्टेड द ड्रामा। आज बेसिकली मैंने काफी लेट ब्लॉग स्टार्ट किया बिकॉज मॉर्निंग वेंट इन जस्ट डूइंग एडमिन रिलेटेड स्टफ। आई वाज मेकिंग ऑल द सैलरी पेमेंट्स, कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दैट। नाउ वी आर जस्ट शूटिंग बॉट झुमका का ट्रांजिशन। तो मैंने एग्जैक्ट वाली साड़ीज मंगाई है, एक वो ब्लू वाली साड़ी जो ओम्ब्रे की आलिया भट्ट ने प्रमोशन में पहनी थी एंड दूसरी ये वाली साड़ी मैंने मंगाई है। दिस इज द वन फ्रॉम तुम क्या मिले। तो द कसाटा साड़ी शी इज वेयरिंग इन द प्रमोशनल लुक्स एंड इन तुम क्या मिले जस्ट द साड़ी शी इज वेयरिंग इन द मूवी इज जस्ट सो शी लुक्स ओनली सो ब्यूटिफुल इन द मूवी। और मैं एक्चुअली अकेली करने वाली थी, फिर मैंने दो साड़ी मंगाई थी और जब मैं और शालिनी मूवी देखी मैं शालिनी को बोल रही थी कि मैंने साड़ी मंगाई, शी लाइक अपन साथ में करते हैं। सो वी जस्ट केम अप विद दिस लाइक स्पॉन्टेनियस कोलैब आइडिया और अभी हम लोग ट्रांजिशन पूरा बैठ के अभी क्राफ्ट करेंगे। बेसिकली आवर रेस्ट ऑफ द डे इज गोना गो इन शूटिंग एंड शूट मस्की, दैट्स द प्लान। फाइनली मेरे शॉर्ट बाल से लंबे बाल हो गए गाइस, एकदम मैक्स ग्रोथ टॉनिक। The most instant growth tonic you will ever notice. मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है but I don't have the patience to grow it. So you get extensions. By chance किसी का किसी लड़की का यहाँ झुमका गिरा रहे। हमारे बाल हो गए हैं, मेरे बाल suddenly एकदम magic. ये जो करण शैम्पू यूज कर रही है उसका असर मेरे को मन नहीं कर रहा उतारने का मालूम है। एक्सटेंशंस कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, वही ना इतने घने बाल चाहिए। फॉरगेट द लेंथ, एक्सटेंशन नहीं लगा थी? नहीं कभी नहीं लगाया। सब मुंबई आके सब पहली बार करूंगी मैं, ये पहली बार वो पहली बार फर्स्ट फॉर एवरीथिंग। मैंने बहुत बार लगाया शूट्स के लिए, इट्स परफेक्ट बिकॉज इजी टू डू फास्ट। आई लाइक फास्ट। शालिनी के भी बाल हो गए नेचुरली घने एंड ब्यूटीफुल। वाह वाह ब्लैक पिच ब्लैक है शीज हैज यार कलर नो ब्रो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। हां आई वांट टू बट मुझे पता है कि बट बिना ब्लीच के कराना प्लीज प्लीज। मैं बढ़ाई थी अपने बाल 2019 को करवाया था मैंने कलर। तूने ब्लीच किया था लाइफ में? नेचुरल बालों में ही किया था बट आई नो कि डैमेज तो वो भी होता है एंड इट इज हार्ड फॉर मी टू मेंटेन कलर्ड हेयर बिकॉज़ आई ऑलरेडी हैव वेरी फ्रिजी हेयर। इवन आई हैव फ्रिजी हेयर सो इट्स बीन हार्ड बट आई लाइक द कलर, आई लाइक डायमेंशन या बिकॉज़ डायमेंशन जो देता है ना इसको बालों को। ये हाइलाइटर ये बालियाज लग रहा है ना? मेरा हमेशा बालियाज है बट मैंने इतने कलर करा है ना सब मिल जुल के एक हो गया है अभी। एंड डू ऐसे कि बाय चांस तू बस ऐसे कर देना मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगी। हां बाय चांस किसी लड़की का और तू तेरे हाथ में झुमका है जहां झुमका गिरा रे। तो अभी देख
अप और मैंने और शाली ने भी शूट किया ना रील ऐसे शूट कर लिया देखते उसने ऑलरेडी ये मेकअप लोग आप लोग के लिए कर लिया है तो मैंने अब हाँ मैंने अब तक नहीं किया था तो आई डिड अ रील एंड शॉर्ट्स जो भी आप फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ हाउ शी फिल्म्स हर कंटेंट फॉर लाइक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंड मैं बहुत मंत्रमुग्ध हो गई थी इसको देखते हुए उसकी हदाई नजाकत एंड ऑल दैट एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट गाइस या आई यूज्ड नो मिरर आई ओनली यूज्ड माय फोन एंड नाउ आई हैव सो प्रीटी सो डू यू लुक लाइक शी केम व्हेन शी केम माय बेस वाज गोइंग ऑन एंड उसकी आंखें भी हो गई थी करके और मैं फिर उसके बाद आई कंप्लीटेड इट दिस इज व्हाट आवर आईज आर लुकिंग लाइक हाफ एंड हाफ हम लोग के आई शेप्स में कितना फर्क है ना बहुत फर्क है द रियल एस्टेट शालिनी हैज ऑन हर आईज कितना मुंबई में होता तो बात ही क्या बट लाइक दिस मेकअप लुक शूट्स नो रियल एस्टेट क्या होता है अरे द रियल एस्टेट यू हैव ऑन योर आईज द लिड स्पेस आई ऑलवेज से रियल एस्टेट इफ यू आर देयर इन बॉम्बे तो बात ही दिस जोक हैज लेयर्स This joke doesn't have layers. Your sense of humor has layers. I mean, मैं साड़ी पहनाएगी इसको. Yes. मेरे को थोड़ा बहुत आता है इसको. बिल्कुल भी नहीं आता. थोड़ा बहुत से भी नीचे आता है. Yes. तो थोड़ा बहुत wins. I'll do the job. Yes, you do it. A few moments later. Time for the झुमका of the झुमका look. कैसा लग रहा है इस comment करके जरूर बताना आप लोग हर vlog में आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि आप बिंदी नहीं लगाते makeup look करते हो बिंदी will complete it today. Shalu is making sure I put a bindi. बिल्कुल बीच में लगा. See? So cute. Nose pin भी पहन रही हूँ आज एकदम bohemian vibes. इस side? हाँ. Profile side पे ही ना. ये नहीं अच्छा लग रहा मुझ पर Then I have one more. रात के 10:30 बज रहे और अभी मैं शालिनी के शॉर्ट्स ले रही हूँ और शालिनी मेरे शॉर्ट्स लेगी हमारे साथ वाले शॉर्ट्स लकीली हो गए तो साक्षी अभी भी इधर है अभी वो पैकअप करके जा रही है 12 घंटे के बाद क्रेजी हो गया आज तो काफी लेट शुरू किया हमने आज का शूट तो इसलिए लेट हो गया थैंक यू सी यू टुमारो बाय चलो शॉर्ट दो मैडम रोलिंग यहाँ सुंदर Hi, hi, hi. अली को मैं बोली गाना बजाती थी अली ने मुझे बहुत वो आज के लिए गाना सिर्फ फोटोज ले गए हमको felt like a photographer remove नहीं कर सकते ना क्योंकि हमें रील देखना पड़ेगा क्या चल रहा है उसका तमी एडिट करना लवकरच ना आता क्या बोली that means I will edit right now yes. अभी आप मुंबई आ गए हो मुंबई की भाषा बोल लो लवकर लवकर means fast time to set the edit someone has taken over my camera who is that person I wonder who is doing your edit is the sarsar guys sarsar आज तू भी हसल विद सार कर रही है एकदम अगर तेरा मेरा और हिमाद्री का हैशटैग होगा तो वो क्या होगा no I haven't but why will it be shh because SS sarigama karma the pup SSSH हिमाद्री में SH किधर आता है अरे पगली S चार आंखों से उसने इसको बोले मक्खन ट्रांजिशन तो हमारा एक बीट छूट रहा है जो क्लिप हमको पसंद है उसमें तो हम लोग वो एक बीट अभी लेने वाले व्हाट झुमका Yes. Go. I'll place you. A little later. उन्होंने टाइमलाइन बिठा दी और इतना मस्त है ना बेस्ट तो मुझे ये जुगलबंदी लग रही है हम लोग दोनों की बहुत सही लग रही है इतनी ऑन बीट आई है ना उसके लिए आपको शॉर्ट्स पे ही देखना पड़ेगा बट मजा आ गया ये एडिट करके I love that you've come to Bombay. It's a 60-second video. क्या ही क्या होगा? हो गया starting. What time we started? We started 8. Was the time now? It's 11:30. It's the after transition that we started at 8. Before also we have been like yeah. filming. We started 4:30 से hair. Her hair was already like she was doing her hair to 4 o'clock मान के चलो. So 6 घंटा लगा for 60 seconds. But it's that excitement like. We wait for the aftermath. Yeah, like I want to put it together now because because of चैन की नींद आनी चाहिए कि हाँ भाई जो मैंने 6 घंटा मेहनत की वो अच्छा दिख रहा है. सफल रहा ये है उसका fruit.
बहुत मजा आया. दैट सैटिस्फैक्शन ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट इज दिस ओनली द पोस्ट एडिट. अच्छा अमित एंड आई आल्सो व्हेन वी फिनिश शूटिंग ना अमित समटाइम्स ही गेट्स सो टायर्ड एंड गोज होम एंड ही फिनिशेस पुटिंग द टाइमलाइन एट नाइट ओनली बिकॉज़ ही लव्स द आउटकम एंड ही वांट्स टू सी दैट. टायर्डनेस भी नहीं आती बिकॉज़ आपके दिमाग में चल रहा होता है कि नो 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 वी हैव टू लाइक गेट इट राइट इसलिए वो टायर्डनेस नहीं आती. नॉट एवरीबॉडी इज लाइक अस शालू. हमारा फाइनली हो गया सब कुछ. मेरी साड़ी पूरी खुल चुकी है नीचे से. मैंने खोली दिखा है दिखा भी नहीं सकती रोज. नहीं मैं दिखा सकती हूँ. इट्स ओके. सिर्फ खुले हुए प्लीट्स है. मैंने कपड़े नहीं उतारे. सारा ने नथ पहनी. कहाँ गई? सब उतार दी. लेंस नथ टाइम फॉर द. अच्छी लगती हो नथ पे और बिंदी पे. बिंदी पे आई लाइक. आई डोंट हैव एक्चुअली. यू बॉट फॉर मी दैट्स व्हाई आई हैव. आई डोंट हैव. यू कीप दैट. ऑनेस्टली यू हैव पुट इट सो परफेक्टली फॉर मी. मेरे को जगह ही नहीं मालूम होता है बिंदी. मैं बहुत नीचे लगाती हूँ बहुत ऊपर. फनी दिखता है नकली बालों के साथ. मैं उनके लंबे समय तक टिके रहे क्योंकि बार बार कब तक आप ऐसे लगा के. दैट्स वोवन इनटू योर स्कैल्प बिकॉज दिस इज लुकिंग सो नाइस ब्रो. इट्स लुकिंग इन ब्लेंड. दिस इज एक्चुअली नेचुरल हेयर. कल मैं वापस इवेंट के लिए करने वाली हूँ. लनकॉम का इवेंट है इसलिए मैं अभी उतार रही हूँ. लोग तुझसे पूछेंगे कौन सा शैम्पू यूज करती हो यार. लास्ट टाइम दिखा था और अब दिखा था. शैम्पू ग्रोथ टॉनिक. मेरे हेयर ट्रीटमेंट्स काम कर रहे हैं. खाना लग गया. मैंने शालू के लिए मंगाया है मस्त बटर चिकन एंड राइस और मेरे लिए मम्मी ने घर से खाना भेजा है. नेक्स्ट डे. गुड मॉर्निंग गाइस. इट्स 11:30 और अभी मुझे बहुत नींद आ रही है. कैसे तैसे तो मैं उठी हूँ. आज मैं वर्कआउट के लिए भी नहीं उठ पाई. उठी हूँ और मुझे और नींद आ रही है. लाइक मेरी आंखें खुल भी नहीं रही है. बट इट्स 11:30. आई हैव ऑलरेडी स्लेप्ट अ लॉट. आई स्लेप्ट फॉर 7+ hours. इट्स जस्ट कल रात की थकान कुछ ज्यादा ही हो गई तो अभी उतर ही नहीं रही है. बट आई हैव एन इवेंट टू अटेंड टुडे एंड आई एम ऑल्सो हेल्पिंग इम्पल्स टीम विद अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट. मतलब उन लोगों को मेरे साथ शूट करना है तो टुडे इज द डे. हेयर इज ऑल्सो लाइक रिसेंटली डन अप बट आई एम गोइंग टू हैव प्रेक्षा कम अगेन टुडे एंड टाइटन माई कर्ल्स. शी टोल्ड मी टू एक्चुअली वॉश इट अगेन बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ कंडीशनर रेसिड्यू ऑन माई हेयर अपेरेंटली यस्टरडे. आई थिंक आई डिड अ हेयर मास्क तो वो ज्यादा ही मॉइस्चराइज हो गए तो व्हेन शी वाज स्टाइलिंग बहुत चिकट चिकट लग रहा था. टुडे आई एम वेयरिंग अ रियली ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर द इवेंट. इज अ लनकॉम इडोल्स इवेंट एंड आई हैव गॉट द इनवाइट विदाउट द परफ्यूम बॉटल. सो आई एम गोना गेट द परफ्यूम बॉटल customized today at the event and it's the grand launch. So I'm very very excited. I love perfumes and I love good fragrances. So I'm excited to see what that perfume smells like. Aaj apart from the event of course I have my emails to do. I have to finish the vlog approval for today. Dikshita already aaj bahut jaldi aa gayi hai studio mein. To main uske sath baith ke wo complete karne wali hu. Impulse team ke sath shoot karne wali hu aur fir sath hi main aaj podcast live ja raha hai. To 7 baje jahan main event pe hungi the podcast is going to go live. So I'm super super excited to see you people's reactions. I'm just going to align everything with Sakshi today so that she and I are both prepped for the postings of today. Aur kal jo what jhum ka shoot kiya wo main aaj post karne wali hu Shalini ke sath collab mein. To wo bhi meri to do list mein. That's what my to do list is looking like. So let's get started for the day. जस्ट रियलाइज कि मेरी एक मीटिंग थी 12 बजे जो मेरे को याद ही नहीं थी. मेरे टू डू लिस्ट में डाली नहीं. बट इट एक्चुअली वॉज अ साक्षी इज कम जस्ट नाउ एंड वी आर जॉइनिंग द कॉल. Meeting is done and we're shooting for Impulse now. We're getting Impulse lined up there. I'm so sorry. Knock knock. Who's there? A few hours later. 5 बजने वाले हैं एंड पॉडकास्ट के लिए 2 घंटा बचा है. आई एम ऑल्सो गोना गेट रेडी नाउ एंड स्टार्ट माई हेयर एंड मेकअप फॉर लनकॉम्स इडोल इवेंट.
We all are saying white, yeah. I'll show you one. And this will look good with that. The second bracelet for this one, no? Yes. Yeah. This looks very fake. No, no. This is also not matching because it's rose gold, gold ore. Minimalist. This hand though, completely empty. Kali price tag hata aur main nail polish gaadi mein baith ke laga tha. Perfect aur comfy ho. Hai na? नहीं तुम लोगों नहीं अच्छी लगी मेरे को नहीं तू बैग क्या ले रही है उस हिसाब से ना तो कॉन्ट्रास्ट पे दिस गोज बट थोड़ा पिंक मोर इनर कॉर्नर बट देन नोज पिन वाज लुकिंग वेरी नाइस मैं तो पहुंचूंगी तब तक अनवीलिंग होगी आई थिंक आई एम गुड ट्रांजिशन रील एंड आई एम आउट का लास्ट आइटम इज टू गो टू द लनकॉम इवेंट एंड दैट्स व्हाई आई एम रेडी आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल आउटफिट फ्रॉम कॉस्ट्यूम काउंटी इट्स अ फ्लोर लेंथ पिंक वेरी नाइसली स्निच्ड गाउन आई रियली लाइक द फिट ऑफ इट इट्स एक्चुअली अ स्ट्रेचेबल मटेरियल मैं बहुत सारा हाईलाइटर लगाया गाइस पूरी बॉडी पे ट्रांजिशन रील भी शूट कर लिया बाल बहुत सुंदर तरीके से प्रेक्षा डन माय हेयर एक्जैक्टली लाइक यस्टरडे बट शी इज डन इट विदाउट द एक्सटेंशन दिस इज माय नेचुरल हेयर ओके कल जो मैं एक्सटेंशन पे ऑब्सेस हो रही थी अब मैं अपने नेचुरल बालों का ऑब्सेस हो रही हूँ एंड मेकअप आई हैव केप्ट लाइक मैट बट जस्ट लाइक विद अ लिटिल बिट ऑफ ये पिंक जो आपको ग्लिटर दिख रहा है बैग ना मेरे पास व्हाइट अच्छा छोटू बैग नहीं तो नाउ आई एम जस्ट प्रिटेंड द बैग इज नॉट देयर बट देयर प्रिटेंड इट्स व्हाइट हम सीजीआई कर देंगे दैट्स इट आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग इन द नेक बिकॉज आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल डैंगली इयररिंग्स मैं हील्स पहनी हूँ ये सुंदर व्हाइट चार्ल्स एंड कीथ वाले एंड फज रियली रियली डजंट केयर सो बाय फज था बहुत ही प्रिटी प्रिटी पेस्टल था एंड आई गॉट माय परफ्यूम मेरा इनवाइट खाली आया था मैं परफ्यूम कलेक्ट करने मेरे इनवाइट में इतना ही ढांचा था तो यही आ रहा था मैं एक्चुअली सूंघूंगी लेट मी स्मेल इट्स नाइस ओके आई हैव नॉट येट स्मेल्ड इट एट द इवेंट आल्सो आशी वाज लाइक आई हैड नो आइडिया यू आर कमिंग हाउ डिड यू कम टू एन इवेंट आई वाज लाइक आज मेरा मतलब मैं मन मना रही आई वाज वेरी शॉक्ड ये मैडम कहां से आ रही है क्योंकि मैं I barely show up to events and that's kind of the reputation I've formed so I'm trying to break it a little bit there. Good, now every event I'll ask you. Oh, it's very floral. Yeah. Very feminine. मैंने actually Burberry लगाया. Oh, I like this floral. Oh my God. I'm telling you, it's nice. It's not very strong. Yeah. It's not very strong. Very daytime. Very very daytime, not night time. But I like it. Guys, बच गए और कुछ नहीं खाया मेरे को तो जाते जाते इतनी acidity हो रही थी I was like shit यार. I'm very hungry. Guys, only hand alcohol. Even non-alcoholic drinks were not good. And that's what happens at every event. Yeah. I anyways did not even drink, did not even eat. So we are going to go and eat food. And that's it. Aaj podcast nahi gaya live guys. Nahi ho paya finally. It did get exported with the changes. But upload nahi ho paya. So I'm a little disappointed. Not gonna lie. But it is what it is. Madam Perfectionist.
खाना आना दारू पी के नाचना ये सब ठीक है बट इट्स नॉट गोना रियली लाइक हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर ब्रांड एंड यू हैव सो मच एंड मैं पूरी टाइम गाड़ी में आते रहती यही सुन रही थी ना लाइक कि यू हैव टू एट सम पॉइंट थिंक कि तुम यहाँ जाओगे तुम्हें क्या वैल्यू मिल रही है एग्जैक्टली Next day. Good morning. Last night was really nice. अच्छा हुआ मैं इवेंट पे चली गई मेरा मन भी बह गया और मुस्कान से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद I went out for dinner with her. We had so much catching up to do. It was nice. The food was really really good at Cinsin. It's very like Italian but the favorite thing that we both loved was the pasta. They have this taglioni pasta. It's veg and it's exactly made like Gigi Hadid का जो pasta recipe viral किया था ना वो. So it's a vodka based sauce and very 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 tasty. I felt really shitty last night कि मेरा podcast live नहीं गया because इतने महीनों से उस पर काम कर रही हूँ और इतनी मुश्किल से I hyped everybody up for it and then when I had to deliver I could not deliver but sometimes things just don't go to plan you know these things are technical and I have to be careful of what I put out on the internet तो हमको थोड़ा सा चीजें censor board करना पड़ जाता I realized that I did not tell you all what happened और mummy क्यों आए फूल लेके and everything so basically mom had not watched the podcast अभी तक even though we've been filming for a while and the edits were ready and I was editing with Taha and there were unlisted links mamma ne nahi dikha mamma ko bhej ke rakhte the links but she's not used to this life you know of a creator she doesn't know ki content approve karana hota hai and all of that last wala final with the thumbnail description everything yesterday 1 o'clock Sakshi sent it on the group I just told mom aisi hai ki dekh lo ek bar कुछ चेंजेस हो गए तो बता देना I didn't think she would have changes because I vet the podcast really well. So there were like 2-3 things she was like अगर ये निकाल सकते हो तो निकाल दो because we've spoken very much in depth about things that हम लोग usually नहीं बात करते और हमारी भी family पे आ जाता है you know so there's certain things that free flow of conversation में हमने बात कर ली है फिर edit में हम निकाल सकते हैं I was like अब अगर मम्मी को निकलवाना है I called Taha and Taha was like सारा अभी मैं render पे डालूंगा पहली बात तो मैं घर पे हूँ नहीं और फिर मैं अब render पे डालूंगा तो वो नहीं होगा render time पे क्योंकि वो 50 GB का video है that podcast is in 4K so it's a heavy file I cannot edit it like दीक्षिता कभी कभार edit थोड़ा सा बच जाता है तो मैं कर लेती हूँ वैसा possible नहीं है podcast में everything has to be done by Taha end to end and when he became available also the render took 3 hours and उसके बाद upload को बहुत time लग रहा था and just I was feeling so helpless and I broke down and I cried so much so much I didn't get like angry at mom but I was just like mummy tum pehle dekh leti hum log kab se tumko unlisted bhej ke rakha hai mamma kitni baar I told mamma ki dekh lo mamma nahi she was just like scared ki maine kya bola hoga maine kya bola hoga I was like mamma dekh lo video nahi kuch bhi tumne aisa bola so that was what yesterday went down and it's fine there are a lot of people involved in the podcast so I know ki gadbadi to hogi hi it's not going to be a smooth sailing like the more people involved the more things take time that's how it is like when I feel helpless now I cry when I have solutions I make sure I act on them and I do my best to sort of fix the problem there was no way I could speed up the render or speed up the upload time it had to go in the quality jo hum log ne shoot kiya itna effort energy time money we put into the quality production so what's the use if I reduce the quality and export the video just for it to be up so I was like once it makes it to the internet it's permanent fir jisko dekhna hoga jab dekhna hoga shanti se dekh lenge it's okay if we missed the launch then I took a garam garam pani ka shower and then I like sort of cooled down I was like it's okay Sarah you have to go to the event let's start just getting ready for the event and then I took it one step at a time one step और फिर मम्मी एज अ फूल लेके आई मम्मी से मेरे को नहीं मालूम था बेटा कि इतना टाइम लगता है एक्सपोर्ट करने को तुम्हारी टेक्निकलिटीज क्या है तो बोली चेंजेस दे तो मैंने दे दी आई वाज लाइक so innocent but so much chaos and just that happened yesterday influencer ki life jitni thi ekdam fab lag rahi thi na kal raat ko lancom ke event pe ye sab peet peeche hota hai aapko to pata hi hai mere vlog se ki content dalna is the most difficult part of being a content creator especially if you're psycho like me like who wants like perfection and everything then you have to face the consequences match later to peeche se kya main ekdam street style artist lag rahi hai kaise hai मेरा ड्राइवर इतना फेल कहाँ से मेरा
अपन डोसा भी इधर से खा रहे पाव भाजी मस्त लग रही है नहीं डोसा खाते अभी इसने मेरे दिमाग में डोसा डाल दिया व्हाट आर यू हैविंग इवन आई एम नॉट हैविंग दैट और मे बी जस्ट मौसम्बी बड़ा पाव खा लेते डोसा घर जाके खाए क्या क्यों अच्छा इधर ही खा सकते हाँ भूख तो मेरे को भी लगी है बड़ा पाव यम यम लहसुन चटनी वाह हम लोग आते थे ना आदिति वेज पाव भाजी हमारे इधर आदिति रहा पूजा रोशनी में Later. नहीं आ रहा था मेरे को मैं बोली तो अच्छा मेरे को नहीं मिलेगा हाय बोली तो भाग के आया वी कम्प्लीट डोसा चलो प्लेट लगाओ निकालो एक वाटी सालन भी निकालो मम्मी चिकन करी भी निकाले ले तेरा मैसूर सादा नो मोर सादा आई टुक जिन्नी एंड शी टुक पनीर जिन्नी इफ यू वांट राइस से डोसा एंड चिकन वेरी मैंगलोरियन तुम्हें टीम वालों के लिए लाई हो हाँ. अच्छा तो अभी क्यों खोल के दिखा रही हो ओके वेरी गुड अभी आंटी डबल फेमस हो गए रेडी अंकल अभी बुर्का पहन के लिया तू क्या डब व्हाट डिड आई मिस मैं क्या मिस आंटी फेमस होने वाली अंकल को बोला बच्चे आइडिया भी दिया था कि तेरे सब फॉलोअर्स के लिए ऐसा एक लेबल पे उनको बना दे क्योंकि लोग रैंडमली देख के स्माइल करते हैं तो मेरे को समझता नहीं कि वो लोग एक्चुअली हमारा स्क्वाड वाले हैं या एक्चुअली मैं किसी को जानती हूँ तो अभी कोई भी हंसता है मैं ऐसे ही हंसते चले जाते हैं नहीं ये तो एक्चुअली मेरा फॉलोअर्स है ये सारा स्क्वाड नहीं है उसकी माँ को चाहिए था कि उसका फोटो बस पे आया था नहीं मेरा नहीं आया मैं टॉप की थी अरे पर आंटी ये कोई गोल होता है बस पे फोटो चाहिए गोल होता है 90% वो गोल होता है फनीस्ट थिंग इज जब हमारा सेम सेंटर था तो सबकी मॉम को जाके बोलती थी तो मेरी मॉम को भी आके बोला था कि मेरी बेटी टॉप कर रही है और उसका फोटो आएगा बस पे तो मेरी मॉम ने आगे नहीं आएगा सबकी मम्मिया सेंटर पे जाती थी दैट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी तुम नहीं आई हेलो आज का टॉपिक इज ऑनलाइन डेटिंग वर्सेस ओल्ड स्कूल रोमांस हम लोग को क्या तुम पज तो देख ना मस्त नीचे तुम लोग के पास ही बैठे हैं उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं के पास
moments later. The girls are going to Star Bazaar. उन लोगों को कुछ काम था पूर्णिमा is to get all her grocery supplies. तो वो कर रही है. I don't know if Tamanna उसके साथ जा रही है कि वो अकेली जा रही है. But she's finishing all her work now. And I have to go to Mummy Logic का set because Mummy Logic का shoot है. Saturday night is when we shoot for Mummy Logic. तो आज आप लोग पहली बार behind the scenes देखोगे for real. Because अब तक तो हम लोग shoot कर रहे थे और आप लोग को बता नहीं सकते थे. It was a secret project. But आज हम live भी जा रहे हैं और हमारा shoot भी है. I'm excited for the first episode. I'm very nervous also. कैसा रिस्पॉन्स होगा. जैसे कि 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं. आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई वांट टू सी कितने सब्सक्राइबर्स हुए. अभी तक एक भी वीडियो नहीं चैनल पे. माशाल्लाह 2 साल चले गए मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स होने को. दिस इज समथिंग एल्स सोनी. इम्पल्सिव भी फास्ट चल रहा है मम्मी लॉजिक के मैट्रिक्स. आई हैव लाइक पुट दिस इन हाउस सॉर्ट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन भावेश एंड साक्षी. हम लोग किसको सिल्वर प्ले बटन पहले मिलेगा देखते. बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी. मम्मी पीछे से आ रहे. मम्मी मेरे साथ नहीं चल रहे बिकॉज उनको अब भी उठे नींद में से. शी इज लाइक मैं अपनी चाय बिस्किट सब. आज मैंने भी चाय पी ली. मेरे को चाय से इतनी एसिडिटी होती है पता मैं क्यों अपने आप को ऐसा करती हूँ. सर सिग्नल खुल गया. मैं आप लोगों को सेट पे जाके मिलती. मेरा घर तो सेट ही हो गया. 15 मिनट्स टू गो. कोई नहीं आया. क्या कर रही है. ये अपने आप नहीं जाएगा. स्केड्यूल नहीं होता उधर. सिर्फ 2 शॉट्स ही गए. एक टीजर गया फर्स्ट एपिसोड का और एक जो मेन ट्रेलर शूट किया था वो गया. 8 मिनट में फर्स्ट एपिसोड चला जाएगा साक्षी. 8 मिनट में. अब अगर नहीं आ रहा फर्स्ट एपिसोड YouTube पे भी चला जाए ना. YouTube और Spotify दोनों एक साथ जाए. YouTube पे मुझे वो लिंक को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना. आई हैव ओपनड ऑल द अकाउंट्स एंड केप्ट. ओके यहाँ पर एक लिंक Apple पे भी जाएगा. एवरीथिंग इज. आई एम सो एक्साइटेड फॉर Apple बिकॉज़ आई हैव नेवर हैड एन Apple पॉडकास्ट. एवरीथिंग इज रेडी. कहा है वो आ रहा है. उसका एक तो कॉलर ट्यून इतना इरिटेटिंग है ना. मैं थक गई उसका कॉलर ट्यून सुन सुन के. मेरे को कितनी बार उसको कॉल करना पड़ता है. वेयर इज माई मादरे. शी इज नॉट कम. हेलो कहा हूँ मम्मी. अभी 8 मिनट में लाइव जाएगा अपना पॉडकास्ट. तो मैं लाइव जाने के लिए थोड़ी ना आ रही हूँ. मैं शूट करने के लिए आ रही हूँ. तुम शूट करने आओ लाइव भी जाने आओ. किधर हो तुम. निकली भी नहीं. ओके बाय. मेरे को एसिडिटी हो रही है कि मेरे को नर्वसनेस हो रहा है. चाय पीने की वजह से मेरे सारे फीलिंग्स मिक्स हो गए. आज मेरी दादी का बर्थडे है. ओनली दादी के बर्थडे पे ही जाना था पॉडकास्ट. उन्होंने ऊपर से ही वो किया कि आज नहीं डालना मेरे बर्थडे के दिन था. सॉरी टू डिस्टर्ब यू. नो यू हैव डिस्टर्ब मी. यू शुड बी सॉरी. 1 मिनट. हो गया. गया गाइस लाइव. जो भी ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म है सब जगह सब्सक्राइब कर दो. हुआ. ओ माय गॉड. हाय हेलो एवरीवन. अच्छा वीडियो भी दिखता है. स्पॉटिफाई पे अभी नया शुरू. यस 1 view 1 minute अगो. फुल न्यू जर्नी फॉर अस. माय गॉड हो गया. 10,000 भी हो गए और फर्स्ट एपिसोड भी चला गया. मैं बोल ही थी एक दिन काहे की छुट्टी. अभी होगा 10,000 तो एपिसोड डालना पड़ेगा ना उनके लिए. मैं बोली थी ना मैं वेट जीती. मैं इन लोगों को बोली थी एक दिन में होगा. दैट मेंट द डे. यस मैंने इसको बोला था 30,000 होएंगे 2 एपिसोड तक. देखते भी होएगा तो देखते. आई थिंक फर्स्ट 1 मिलियन भी हो जाएगा ट्रेलर पे. हेलो तू किधर है. 6 बजे मार 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 उसको. और तेरी रिंगटोन कॉलर ट्यून बदल. मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ गाने से. मी तब तक तुम सेटअप शुरू करो. लेट्स बिगिन.
DM है. She says, I just didn't want to comment publicly, but yes, hats off to you for picking up religion for your very first podcast. People are getting so much into protecting their religion, and I am Hindu too. I am also into it, but not having hate for any of the Muslims or Catholics. Like, just for those specific jo unnecessary ka aake bolte hai hamara religion and all that. And the way you talked about it, smooth bhai, smooth. Love the podcast, and yeah, your voice is so much like therapy. Very good starting. I love the way that you are into every religion, and that makes you a really good person. And baki, you are blessing thousands of people with your voice and videos. Lots of love to you. My mother has been good so job, auntie. Nervous. अभी तो हो गया लाइव आंटी. अभी अब तो हो गया. हो गया आंटी. अब तो लाइव हो गया. गोपाली ने मम्मी के लिए वॉइस नोट भेजी है. हेलो सारा, दिस वॉइस नोट इज नॉट फॉर यू, इट्स फॉर आंटी. आंटी यार आप बड़ी स्ट्रांग हो, सच अ स्ट्रांग यू. And Sara, kudos to you ki you know you got aunties this side out, and yeah, the podcast is so much fun. Loved it. Maza aa gaya. Bye. क्या बोलोगी तू? थैंक यू सो मच गोपाली. और मम्मी को सुनाया, हम लोग शूट ही कर रहे थे. थैंक यू गोपाली, थैंक यू सो मच. योर वैलिडेशन मेक्स मींस अ लॉट टू मी. वेरी वेरी नर्वस टू नो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट टू इट. यू कैन आस्क सारा हाउ आई फील. या शी इज बीन सो नर्वस ऑफ कोर्स टू पुट हर लाइफ आउट. या ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग दिस. शी रियली नीडेड टू हियर दिस. सी आई टोल्ड यू इट्स अ रेवोल्यूशन. इवन व्हेन माय स्टूडेंट्स नो, सो दे विल से मिस वी विल हैव अ ग्रुप फोटो. आई सेड नो नो, यू आर विल पोस्ट on IG and all that, and I don't like all of that. No? I never used to allow them. Never. Ask her, she doesn't. I don't have any photos with any. That's why though, I used to not vlog pehle ghar pe. Matlab main naturally vlog karne lage. Starting ki mere sare vlogs mein main hi thi. Main logo ko kabhi poochi nahi, because I knew they were not comfortable. It's very naturally happened. Like, I never told them today say y'all are all going to be in my videos. Like, it's very natural. I used to never shove it in their face. Now it's become like they're used to it. फोटोज भी हम लोग के होते थे ना, तो मैं हमेशा पीछे रख रही हूँ. मैं, मुझे फ्रंट में आना ही नहीं पसंद. नो, यू आर कंप्लीटली इन फ्रंट. दैट इज व्हाट ड्रैग्ड मी फ्रॉम द ड्रैग्ड मी फ्रॉम देयर. जितना हमने भागा होगा ना, उतने ही अभी. हां, दैट्स व्हाट. मम्मी के सारे रिश्तेदार भी इसको बोल रहे हैं, अभी सिल्वी यू आर बिकम स्टार नाउ, यू विल नॉट कम. मम्मी अभी न्यूली फॉर्मड इन्फ्लुएंसर है. बड़े नाटक. अरे नहीं यार, मम्मी आज मेरे को खाना नहीं दे रही थी. बोल रही थी मैं आज इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे को खाना नहीं देने का. तेरे को तुम खाना देना बंद कर दोगी तो फिर मम्मी लॉजिक में से मम्मी निकल जाएगी. हाँ, वही. मैं गिरी, मैं गिरी, मैं गिरी. तो बोल रही स्टेबल हूँ, बहुत खुद ही गिर रहे अभी. तुम फोटो लो, ज्यादा सोचो मत. बाल ठीक करूँ क्या मम्मी के? मेरे को बाल से इतना पेट पीवे ना गाइस. मैं पूरे पॉडकास्ट में इतना बालों को हाथ लगाती हूँ, तुम लोग इरिटेट हो जाओगे. प्लीज ऑडियो में ही सुनना, वीडियो देख रहे पूरे सीजन के. अमित बार बार बोलता है सारा इधर से दिख रहा है, बेबी है सारा, ये सारा, वो सारा, क्रिस सारा, ये. तो मेरे को इतना आदत है ना कैमरा के सामने सारा ये दिख रहा है सारा ये. मेरे को अमित की आवाज सुन पीछे चलती रहती है, बेबी है सारा, बेबी. दैट इज हाउ माय ब्रेन इज ट्यून्ड व्हेन द कैमरा इज रोलिंग. ही ट्रॉमेटाइज्ड मी. यू कॉज सम ट्रॉमा ओवर योर. डू यू सी? मम्मी एकदम नेचुरल है. शी वाज बोर्न टू डू दिस ओनली, आई फील. वेरी मच. आंटी को एक टॉपिक तक पहुंचा दो बस, उसके बाद. या आई मस्त बोल दे. मेरे को सोचना पड़ता है क्वेश्चंस, बट मॉम्स आंसर्स आर लाइक रेड. मैं तो कुछ वो भी प्रिपेयर वगैरह तो कुछ करती नहीं हूं. आई नो प्रिपेयर हो गई नहीं आंटी. कॉन्सेप्ट पॉडकास्ट इज दैट ओनली नो, इट हैज टू बी नेचुरल कन्वर्सेशंस. मेरी बारी फोटो की. अभी देखना कितनी बार मैं हाथ लगाऊंगी बालों को. आंटी टू गुड. क्या कमेंट्स? कमेंट्स अच्छे हैं. यस, टू गुड. सीरियसली, और सबने आपको प्रेस किया. ओह थैंक यू, थैंक. दे हैव अप्रिशिएटेड हाउ ऑनेस्ट यू वर. पापा क्या बोले वाले इसने मम्मी लॉजिक क्यों रखी, तो मेरे साथ एपिसोड कैसे करेंगे? एक एपिसोड होना चाहिए. पापा लॉजिक, एक एक एपिसोड. मम्मी लॉजिक, पापा पॉइंट ऑफ व्यू. बैक अप ऑन एपिसोड 4 ऑफ द मम्मी लॉजिक. ये पब्लिश हो गया एप्पल पे? एप्पल पे.
क्या मम्मी ईडन का केक ले आई थी, अच्छे अच्छा केक है ईडन का, मेरे को बहुत पसंद प्रोडक्शन टीम हैज टू कट गो फॉर इट यस गो नहीं नहीं सच्ची में मेरे को खिलाओ तू मेरे को कैमरा दे फोन तू का या इतनी मेहनत की और ताहा तुम्हारी नींद कांग्रेचुलेशन and celebrations we want the world to know that happy logic is very successful mummy ne gaana hi badal diye Eden ke cakes really good ah jo chocolate ko khila diya kanjusi ghar mein kyunki wo cake piece kaat raha tha sab to chocolate mein pura khao this is dark chocolate thank you main to bol ju अगले हफ्ते में हो जाएगा सेकेंड एपिसोड 100 के सिल्वर प्ले बटन इंशाल्लाह। थर्ड पे मिलियन थी ना भाई। हाँ थर्ड पे मिलियन।